बनकर तैयार हो गया है हमारा हेल्दी सा सूप। आप इसे हल्का गर्म ही सर्व करें। अगर इसे प्रोसेस करने में आपका ठंडा हो जाता है तो वापस इसे गर्म करिए और फिर सर्व करिए। हेलो फ्रेंड्स, भारतीय किचन में आपका स्वागत है। मैं भारती पाटनी आज आपको बताऊंगी बहुत ही हेल्दी सूप जो कि मैं लौकी के साथ साथ एप्पल और वनस्पति से बनाऊंगी। बहुत ही फायदेमंद है, पेट संबंधी सभी रोगों को दूर करता है, प्लस हेल्थ भी कंट्रोल करता है। ज़रूर से बनाकर देखिए आप लोग भी इस सूप को। आइए देखते हैं इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। लेंगे लौकी 250 ग्राम ले लेंगे, ये बड़ी है, मैं इसमें से आधी ले लूँगी। एक इसमें से एक वनस्पति है उसमें से आधी लूँगी और आधी ही एप्पल लूँगी। लेंगे चीनी, अगर आप शुगर पेशेंट है तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों फलों में मीठापन होता है। नमक, सेंधा नमक ले लेंगे जिससे व्रत में भी इसको पी सकें, बहुत ही हेल्दी रहेगा। काली मिर्ची डालेंगे, आप अगर नहीं लेना चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। और भुना हुआ सिका हुआ जीरा, बहुत टेस्ट बढ़ाएगा ये इसका। तो बनाना चालू करते हैं, सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को हम छील लेते हैं। लौकी में से आधी लौकी ले लेंगे, करीब 250 ग्राम लौकी ले लेंगे हम। इसको छील के टुकड़ों में कर लेंगे, छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में कर लेंगे लौकी को। लौकी घिया जो भी आप इसको बोलते हो, इसी तरीके से इस वनस्पति को आधा कर लेंगे। आधी ही हमें चाहिए इसलिए पहले से ही मैं आधी कर लेती हूँ, और आधी ही एप्पल हमें चाहिए, आधी कर लेते हैं। और इसके अंदर के ये बीज वाला हिस्सा निकाल देंगे और इसको छील लेंगे। टुकड़ों में काट लेंगे इसी तरीके से। इस वनस्पति को भी बीच में से बीज निकालेंगे, डंडी निकालेंगे और छील लेंगे और टुकड़ों में कर लेंगे। तीनों चीज़ें काट कर तैयार कर ली है, और जब तक ये कर रहे थे हमने पानी उबालने रख दिया था। डालेंगे इसमें लौकी, आप चाहे तो इसे कुकर में भी कर सकते हैं, तो फिर एक सीटी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। वनस्पति डाल दी और एप्पल डाल दी, ढक देंगे और इसको गलने का इंतज़ार करेंगे, पकने तक इसको उबाल लेंगे। और इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक भी। चीनी, अब बाकी सारी चीज़ें और चीनी बाद में डालेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं कि सभी चीज पक गई क्या। चम्मच से काट के देखेंगे, अभी थोड़ा बाकी है। कुकर में इसे बनाएंगे तो एक सीटी में ये बनकर तैयार हो जाएगा। वापस से चेक कर लेते हैं। हाँ जी, पक गया है ये। और इस समय पे हम इसमें चीनी डालेंगे। दो जनों के लिए बना रही हूँ मैं ये सूप, तो ये 2 चम्मच चीनी डालेंगे। बहुत ज़्यादा चीनी की इसमें ज़रूरत नहीं है, बाकी सारा चीज़ बाद में डालेंगे हम। और चीनी को पकने के बाद गैस बंद कर देंगे। चेक कर लेते हैं, अब चीनी भी हमारी इसमें गल गई है और ये अच्छे से पक गया है। इस समय पे गैस बंद कर देंगे
और मैशर की सहायता से इसको मैश कर लेंगे। फिर ठंडा होने का वेट करेंगे। अच्छे से मैशर से मैश कर लिया है। आप चाहे तो मिक्सी या ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, इसको फटाफट हो जाएगा। मैं इसको मैशर से कर रही हूँ। अच्छे से हो गया है, अब इसको छान लेंगे। ये देखिए कुछ अगर निकलता है तो इसको वापस मैश कर लेंगे। इस तरीके से पूरा छान लेंगे। बहुत ही हेल्दी सूप है ये, वेट लॉस का काम करता है, पेट संबंधी सारे रोगों को दूर करता है, जैसे पेट में आफरा आना, गैस बनना या पचन होना। बारिश के मौसम में हम बहुत ही ऑयली सा खा लेते हैं क्योंकि खाने का मन करता है, उस समय पर अगर ये पी लिया जाए दिन में एक बार तो बहुत ही फायदेमंद होता है, पेट को स्वस्थ रखता है। बनकर तैयार हो गया है हमारा हेल्दी सा सूप। आप इसे हल्का गर्म ही सर्व करें। अगर इसे प्रोसेस करने में आपका ठंडा हो जाता है तो वापस इसे गर्म करिए और फिर सर्व करिए। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्च, और थोड़ा सा भुना हुआ पिसा हुआ जीरा। ये दोनों भी इसके स्वाद को बढ़ा देते हैं, और अगर आपको इसका स्वाद पसंद नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। सजा देंगे। ये लौकी का पीस मैंने बॉईल कर लिया था साथ में, इससे सजा देंगे। वाओ, देखिए हेल्दी सा सूप बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, बनाकर जरूर से देखिए ये हेल्दी सा सूप और लाभ उठाएं इसका, और बताएं कि आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। और आगे भी अगर आपको मेरी रेसिपीज देखनी हो तो प्लीज़ राइट साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।